उत्तर प्रदेश के बहराइच में लगने वाले दरगाह मेले का आगाज हो चुका है। बहराइच पहुंचे हाई कोर्ट के जज शमीम अहमद ने फीता काटकर मेले का उद्घाटन किया। वहीं फीता काटने के बाद हाई कोर्ट के जज शमीम अहमद ने सैयद सालार मशहूद गाजी रहमतुल्ला की मजार पर पहुंचकर चादर पेश की और देश के लिए अमन और सुकून की दुआएं मांगी। इस दौरान उनके साथ दरगाह अध्यक्ष और सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। देर रात तक चले इस उद्घाटन प्रोग्राम में लोगों को हर्षोल्लास देखने का मिला। वहीं देश के विभिन्न इलाकों से गाजी मियां की बारात निकाली जाएगी, जिसके लिए भव्य मेले का आयोजन किया गया है। तो सुरक्षा के लिए मेले में एक थाना और 12 चौकियां भी बनाई गई हैं। मेले की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए पूरे गोरखपुर जोन की पुलिस फोर्स को लगाया गया है। गाजी मियां के बारात के दिन लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और इस दौरान होने वाली हर एक हलचल पर नजर रखने के लिए पुलिस के द्वारा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ये मेला सैकड़ों सालों से चलता आ रहा है। सब उनके चाहने वालों को बहुत खुशी है। हम 2 साल से बेसब्री से मेला लगने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही हमें मालूम पड़ा फेसबुक के जरिए कि यहाँ पर मेला लगाया जा रहा है, तो वैसे ही हम दौड़े दौड़े चले आए 1000 किलोमीटर। तो ये बताइए, हर साल मतलब आते हैं या इसी साल आपका आना हुआ? हम हर साल आते हैं, सरकार के निकाह के अंदर शामिल होते हैं, बराती बनकर आते हैं साहब। आपके दिमाग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जरूर होता होगा, क्योंकि यहाँ पर आप बहराइच शरीफ आते हैं, शरीफ आते हैं और कई ऐसी सरकार का भेजो करम सारे धर्मों के लोगों पे बराबर है। सरकार अजमेर शरीफ में पैदा हुए और यही उनकी विलादत हुई है और यही उनकी शहादत हुई है। अल्लाह के बहुत बड़े वली है, उनका करम सब पे बराबर है। वो सभी को अपने भेजो करम से नवाजते हैं, उनकी शान निराली है।